बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन और टिंडे का सालन की रेसिपी। ये देखें गाइस, कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार लग रहा है ये। बहुत झटपट बन जाएगा और बहुत ही मज़े का बनता है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। देखें, सारा सामान मैंने निकाल के रखा हुआ है। आप नोट कर लें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए बनाने के लिए। 3 पाव मैंने चिकन लिए है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद, उनको पीस लिया है मैंने, ब्लेंड कर लिया है। 2 अदद मैंने प्याज़े लिए हैं, वो भी मैंने ब्लेंड कर ली हैं। हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने गार्निशिंग के लिए लिए हैं। 2 चम्मच मैंने दही ली है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। कुछ मसाले लिए हैं मैंने, ये शिमला मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया है पिसा हुआ, 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई हल्दी 1/2 चम्मच और 1 टीस्पून नमक है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है। 1 पाव ये टिंडे हैं, इनको मैंने छील के काट लिया है। चले तो गाइस रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सरसों का मैंने तेल लिया है 1/2 कप, इसको अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। देखिए गाइस, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे। मैंने प्याज ऐड कर दिए इसमें, अदरक लहसुन और टमाटर जो हमने पीसे थे, वो जो मसाले हैं वो सब हम एक साथ ऐड कर देंगे और अच्छे से हम भूनेंगे मसाले को। जब तक मैं मसाला भून रही हूँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें, सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ये हम चिकन का बना रहे हैं इसलिए हम चिकन बाद में ऐड करेंगे, पहले हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से भूनना है और आप इसको ढक्कन लगा के बार बार चम्मच चलाइएगा इसमें। अगर आप ऐसे ही भूनेंगे तो इसकी छींटे बहुत उड़ती हैं। अच्छी तरह मिक्स कर दें और फिर आप ढककर इसको तकरीबन 10 मिनट पकाएं, थोड़ा पानी इसका ड्राई हो जाएगा। बहुत मज़े का बनता है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें, मसाला हमारा तकरीबन भून चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। तेल भी इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया और अच्छी से खुशबू आने लगी है इसकी। इसमें हम चिकन डाल के भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट। ये देखें, चिकन ऐड कर दिए मैंने इसमें। जितना अच्छे तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतना ही मज़े का बनेगा ये। इसमें मैं दही भी ऐड कर दूंगी। ये देखें, 2 चम्मच दही ली थी मैंने, वो भी ऐड कर दिए इसमें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इसको। ये देखें, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें टिंडे भी ऐड कर दूंगी ताकि साथ साथ चिकन के साथ टिंडे भी गल जाएं। ये देखें, मैंने टिंडे भी ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और 1 गिलास पानी डाल के मैं इसको रख दूंगी हल्की आंच पे। ये देखें, मिक्स कर दिया है मैंने, 1 गिलास पानी ऐड करा है मैंने इसमें। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी जब तक हमारे टिंडे गल जाएँ, तकरीबन 10 से 15 मिनट। 15 मिनट बाद मिलते हैं गाइस। ये देखें, सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी थी साथ में ही। अब हम इसमें हरा धनिया जो हमने काट के रखा हुआ है वो डालेंगे। माशाल्लाह, आप इसकी लुक देखें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस, मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।